एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। और 6 महीने बाद आज मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि करवा चौथ का ब्लॉग मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, रात को ही मैं मेहंदी खुद से लगाई थी। देखिए कितना ज़्यादा रचा है ना, पूरा ब्लैक हो गया, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा। तो दोनों हाथों में, एक हाथ में तो मैंने पूरा लगा लिया, तो हाथ दर्द हो गया था इस तरीके से। जो मर्जी माया वो हमने कर दिया, मगर फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। और दूसरे हाथ का मैं दिखाती हूँ, दूसरे हाथ में मैंने इस तरीके से डाल दिया था, थोड़ा सा बचा था ना, तो इस तरीके से मैंने कर लिया कि चलो दोनों हाथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने लगाया है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू रहिए, और चलिए जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो इधर मैं देखिए सारा सामान मैं निकाल के रख दिया हूँ, जो जो पूजा में यूज होने वाला है। तो ये बहने के लिए साड़ी है, मम्मी जी को देने के लिए अपनी सास को देते हैं बहना। और यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी तैयारियाँ मैंने कर लिया। 4 मीठी मठरी है, और 4 सेब है, चीनी है, बतासे हैं, दिया है, और फूल है। सब कुछ मैंने थाली में, जितने भी श्रृंगार का सामान है, जो भी पूजे में इस्तेमाल होगा, चीनी है और रुई है, सब कुछ, नारियल है, सब कुछ जितने भी है ना, सिंदूर है, हल्दी है, कपूर है, चंदन है, अगर धूप है, धूप अगरबत्ती, सब कुछ मैंने निकाल के, गंगा जल वगैरह। क्योंकि अब पूजा करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है इसको सजाने में भी, और इस मतलब सारे चीज़ इकट्ठा करके एक जगह रखने में भी। तो यहाँ पे देखिए 3 मैंने लोटे लिए हैं, तो 2 करवे रहेंगे, 1 कलश रहेगा। तो यहाँ पे बस सारी तैयारियाँ हो गई है। तो चलिए अब मैं जल्दी से चूड़ी पहन लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ, और फिर हम पूजा करने के लिए बैठेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से टेबल को पोंछ के और इस तरीके से सजा के रख दिया। चूड़ी पहन लेते तो हैं। अब मैं आ गई हूँ चूड़ी पहनने के लिए। तो पुरानी चूड़ी हटा देती हूँ, और बहुत दिनों के बाद आज मैंने ब्लॉग डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से आपको दोबारा से मैं अपनी मेहंदी को दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़्यादा रचा है मेहंदी, पूरा एकदम काला हो गया। मगर मोबाइल में, कैमरे में क्या पता इतना तो नहीं दिख पा रहा है, मगर रियल में ना पूरा एकदम ब्लैक हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि पहली बार इतना मेरे हाथों में ना इतना ब्लैक हुआ है, क्योंकि मैं रात को लगाई थी। वैसे मैं दिन में जब लगाती हूँ तो इतना नहीं रच पाता है, और रात को मैं लगा के सो गई थी, तो इसलिए पूरा काला हो गया। और देखिए अब मैं आ गई हूँ चूड़ी पहन के मेकअप करने के लिए। तो पहले मैं मॉइस्चराइज़र की जगह पर एलोवेरा लगा रही हूँ, और ये एलोवेरा जेल जो है ना, वो मार्केट वाला नहीं है, ओरिजिनल हमारा छत पे एलोवेरा का प्लांट है, तो वही मैं सुबह ही तोड़ के रख लिया था। तो ही एलोवेरा से अपने पहले स्किन को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी। तो पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। और ये स्पंज ब्लेंडर है ना, उसको मैंने पानी में डिप करके पूरा पानी को निचोड़ लिया है, उसके बाद इससे हम टैप टैप करके पूरा पाउडर को पूरे में इस तरीके से फैला लेंगे। और मेकअप इससे ना बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद पाउडर लगाने के बाद यहाँ पे मैं काजल लगा लेती हूँ। मुझे तो इतना प्रोफेशनल नहीं आता है, मगर मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, इतना तो कर लेती हूँ। शादी पार्टी में खुद से तैयार होके जा सकती हूँ। फिर उसके बाद तैयार होने के बाद शाम हो गई थी, सूर्य भगवान ढल रहे थे, तो यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। और फिर मैं जाके अभी पैर रंगूंगी। पैर में महावर भी नहीं लगाई हूँ, नेल पेंट तो मैं सुबह ही लगा लिया था। और यहाँ पे तुलसी जी में भी पानी दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लोटे में गंगा जल है, जल है, और फूल वगैरह ये सब डाल उल के मैं आ गई थी सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, जल देने के लिए, और तुलसी जी में दे देती हूँ। फिर नीचे चलती हूँ, और फिर हम अपने पैर को महावर लगाएंगे, फिर मैं पूजा के लिए बैठूँगी। तो आज मैंने ये अपनी शादी का जोड़ा पहनी हूँ। ये हमारी शादी इसी के ऊपर हुई थी, इसी साड़ी के ऊपर। तो बोला जाता है कि आप कोई भी, अगर जैसे तीज हो गया, चाहे करवा चौथ हो गए, ये सब फेस्टिवल अगर हम त्यौहार करते हैं ना, व्रत करते हैं, तो इसमें शादी का जोड़ा रहता है तो ज़्यादा ही शुभ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना शादी का ही जोड़ा पहनी हूँ, तो बस यहाँ पे महावर लगा लेती हूँ। वैसे देखिए इस तरीके से मैंने डिजाइन बनाया, सिंपल नहीं है, मैं सोची चलो आज कुछ डिजाइन बना लेते हैं, और लेट भी हो रहा था पूजा करने का। देखिए फाइनली हम तैयार हो गए हैं,
और यहाँ पर हमारा पूजा की तैयारी भी हो गया है, तो चलिए जल्दी से हम पूजा कर लेते हैं, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं चौकी सब कुछ लगा के गई थी, मैं करवा माता का फोटो वगैरह सब कुछ मैंने पूरा तैयारी जे अपना जानते ना, मैं पूरा तैयारी कर लिया था, फिर भी मुझे बीच बीच में उठना ही पड़ रहा था और कैमरे को बंद कर कर के फिर जाना पड़ रहा था। तो कभी कुछ कभी कुछ कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, कितना भी आप तैयारी कर लो पूजा पाठ में। तो बस यहाँ पे अभी एक लोटा था ना, वो इसमें पानी था, तो एक लोटे में मैं ड्राई फ्रूट भर रही हूँ, तब बादाम डाल रही हूँ, और सिर्फ ड्राई फ्रूट के साथ कुछ इसमें मिठाइयाँ भी भरते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं बतासे डालूँगी, तो अभी पूरा लोटा भर गया है ड्राई फ्रूट से, इसमें कुछ बतासे डाल देती हूँ, फिर इसको ढक देंगे। और एक में मैंने लोटे में जल और गंगा जल दोनों ही डाला है, और उसके बाद इसके अंदर मैं फूल वूल डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर एक एक कटोरी मैंने रख दिया, क्योंकि करवे को ऐसी मतलब नहीं छोड़ते हैं। तो और चार चार बतासे दोनों करवे के ऊपर डाल देती हूँ। इस करवा चौथ में ज़्यादा ही महत्व होता है चार चार का, चार चार का ज़्यादा ही नियम होते हैं। तो दोनों कटोरी पे मैंने चार चार बतासे और थोड़ा थोड़ा चावल मैंने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कलश भी लगा देती हूँ और करवे के नीचे भी फूल और चावल डाल देती हूँ दोनों करवे के नीचे। और मुझे ना आज मतलब करवा चौथ के दिन मुझे आम का पल्लू जो है ना, आम का पत्ता नहीं मिला था, इसलिए मैं कलश के ऊपर ऐसे आम का पत्ता डालते हैं, मगर नहीं मिला था। तो फिर मैं इसमें ऐसे ही रोली चंदन हल्दी फूल ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया, पैसे वगैरह, और यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बना लेती हूँ, और फिर दोनों करवे में फिर टीका लगाऊँगी। यहाँ पे देख सकते हो, और 7 बजे तक ही टाइम है पूजा करने का, तो 7 बजे से पहले ही मुझे पूजा करना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं चंद्रमा बना देती हूँ, आधा चांद, चौथ का चांद बना देती हूँ, देख सकते हो इस तरीके से। सफ़ेद चावल से बोलते हैं कि चांद चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा ही प्रिय हैं, और दोनों मतलब तीनों चीज़ों पर, दोनों करवे के ऊपर, कलश के ऊपर, सब पे मैं वस्त्र स्वरूप कलावा बांध देती हूँ, रक्षा सूत्र जो होते हैं वो। और उसके बाद यहाँ पे मेरा सर उघार हो गया, तो मैं अपने सर को ढक लेती हूँ, और उसके बाद गंगा जल डाल लेती हूँ। और दाहिने तरफ ये फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो कर रही हूँ, इसलिए आपको लेफ्टी लग रहा होगा। तो यहाँ पे दाएं साइड माता का करवा रहेगा और बायां साइड मेरा करवा रहेगा। और उसके बाद मैं शुद्ध कर दिया हूँ जल छिड़क के। तो ऐसे तो आम के पत्ते या कुश की सहायता से जल छिड़का जाता है, तो हमारे पास न आम के पत्ते हैं न कुश है, तो फूल से भी हम छिड़क सकते हैं। तो फूल से ही मैंने पानी छिड़क दिया, गंगा जल छिड़क दिया, सभी चीज़ों को शुद्ध कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया खुद के ऊपर भी। उसके बाद गणेश जी को टीका करेंगे, उसके बाद शंकर भगवान को, पार्वती माता को, कार्तिक देव को, और उसके बाद करवा माता को, और उसके बाद जितने भी फोटो में सभी देवी देवता जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको मैं टीका करने के बाद पहले गणेश जी को फिर से फूल चढ़ाएंगे, फिर शंकर जी को चढ़ाएंगे, माता पार्वती, करवा माता को, और उसके बाद दोनों करवे के ऊपर एक एक फूल में रख देती हूँ। और दोनों करवे में 13-13 टिक्का लगा देते हैं, 13-13 टिक्का लगाना चाहिए, जब आप कथा पढ़ते हो तो इसमें खुद लिखा रहता है, तो 13-13 टिक्का हम लगा देते हैं दोनों करवे में। और फिर यहाँ पे और फिर कलश को भी पूजा कर देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ, अच्छा चढ़ा देती हूँ, फिर धूप बाती दिखाऊँगी। तो पूजा करने में टाइम लग जाता है, कथा पढ़ने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मगर पूजा करने में ना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं यही तो मेन होते हैं। तो यहाँ पे बस चंद्रमा जो मैंने चावल से बनाया ना, चांद मामा को भी
चढ़ा देती हूँ फूल वगैरह। और चांद मामा को तो सफ़ेद फूल, मगर मुझे सफ़ेद फूल भी नहीं मिला था, मगर बोलते हैं ना कि चलो जो मिल गया। और एक सफ़ेद फूल मैंने कल ही मंगा मतलब लाई थी, तो वही था, तो थोड़ा सा मुरझा गया था, मगर फिर भी मैंने गंगा जल से शुद्ध करके मैंने चांद मामा को चढ़ा दिया, चंद्रमा को। उसके बाद जनेऊ और जनेऊ चढ़ा रही हूँ गणेश जी को और शंकर जी को, और कलावा चढ़ाऊँगी वस्त्र स्वरूप। और फिर यहाँ पे मैं सभी देवी देवता को उसके बाद आवाहन करना चाहिए सभी देवी देवता को, और हाथ जोड़ के विनती करके और फिर क्षमा मांगते हैं कि हे गणेश जी, हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हे कार्तिकेय जी, हे सभी देवी देवता, मैं आपको अपनी करवा चौथ पूजा में आमंत्रित करती हूँ। हमारे पूजा में आकर हमारे पूजा को सफल कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। और इस तरीके से बोलते हुए हम सभी देवी देवता को आवाहन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देती हूँ शंकर भगवान को, गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को और सभी देवी देवता को हम ना वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर चुनरी लाया हो तो चुनरी भी चढ़ा सकते हो, मगर चुनरी में नहीं लेके आई थी, तो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा रही हूँ। और फिर उसके बाद दोनों कलश के ऊपर भी कलावा चढ़ाएंगे और दोनों करवे के ऊपर भी कलावा चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेब चढ़ा देते हैं, जो भी फल फ्रूट है ना आप चढ़ा सकते हो, मगर इसमें ना ज़्यादा इसमें ना गोल गोल चीज़ें का ना ज़्यादा ही महत्व होता है। तो देखिए यहाँ पर करवा माता को यहाँ पर मीठी मठरी है, तो चार मीठी मठरी मैं चढ़ा रही हूँ। और बतासे वगैरह भी यहाँ पे देखिए जितनी भी यहाँ पे छन्नी है ना, चलनी को भी मैं पूजा कर देती हूँ, चंदन टीका सब कुछ लगा के प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा देती हूँ, तो जितनी भी। और उसके बाद धूप बाती दिखा देती हूँ, और उसके बाद फिर हम हाथ में अक्षत और फूल लेके हम कथा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं धूप बाती दिखा दिया हूँ, अब यहाँ पे देखिए मैं बतासा चढ़ा देती हूँ चंद्रमा भगवान को, और चलनी को भी हम प्रसाद चढ़ा देंगे, जितनी भी चीज़ें हैं ना सबके ऊपर हम प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा अच्छे देखने में लगता है कि थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा, सिर्फ टीका करना है, फूल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा ख़त्म। मगर देखिए ये मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसी में तो हमें टाइम लगता है, मतलब कलश को पूजा करना होता, चलनी को पूजा करना होता, दोनों करवे का पूजा करना होता, तो टाइम तो यही सारी चीज़ें में जो छोटी छोटी होते हैं ना उसी में टाइम लग जाता है। तो सब कुछ मैंने माता रानी को चढ़ा दिया, अब अभी मैं श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ, तो माता रानी में सटा के पार्वती माता और करवा माता में सटा के श्रृंगार का सामान, और यहाँ पे करवा माता और पार्वती माता दोनों को मैं एक एक बिंदी लगा दूंगी। तो यहाँ पे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर मैं यहाँ पे अभी बिंदी ही लगा रही हूँ दोनों को एक एक निकाल के। तो यहाँ पे बस यहाँ देखिए रसगुल्ला मंगाई थी, तो सफ़ेद रसगुल्ला ही मंगाई थी क्योंकि चंद्रमा भगवान को सफ़ेद रसगुल्ला ही मतलब सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा ही पसंद है, प्रिय है, तो इसलिए मैं चार रसगुल्ले को मैंने भोग लगा दिया। अब मैं हाथ में अक्षत और पुष्प लेके मैंने कथा पढ़ा, और उसके बाद हमारा पूजा ख़त्म हो गया, अब मैं आरती कर लेती हूँ। तो मुझे ना ऐसे सही टाइम पे हमारा पूजा हो गया था, और मगर थोड़े से टाइम मुझे लग गया था कि वही शादी का मेरा साड़ी था, तो थोड़ा सा सिलाई जो हमारा ब्लाउज था ना उसका सिलाई थोड़ी सी मुझे निकालनी थी, टाइट हो रहा था, तो उसमें थोड़ी सी टाइम लग गई थी, दोनों ब्लाउज का मुझे सिलाई निकालना पड़ा था, तब जाके अभी हमारा फिटिंग आया, फिर मैं जाके नहा धो के फिर मैं आ गई थी। और देखिए पूजा का जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं बहने का जो साड़ी है ना उधर मैं पीछे ही हमारा रह गया था, तो अभी मैं चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं आरती गाऊँगी। और आरती पहले गणेश जी का करना होता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम गणेश जी को ही पूजा करना होता है, तो हर चीज़ में पहले गणेश जी को। अब मतलब आग मतलब कुछ भी पूजा पाठ करो ना तो ये रख लो कि पहले गणेश जी को आपको पूजा करना है, ठीक है, तभी आपका पूजा जो है सफल होता है। तो पहले आप गणेश जी को कोई भी पूजा पाठ छोटा मोटा पूजा हो या बड़ा पूजा हो, पहले आप विघ्नहर्ता गणेश जी का आपको पूजा करना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने आरती कर लिया, तो यहाँ पे अब मैं करवा फेर रही हूँ, तो सात बार करवा फेरते हैं, और पार्वती माता के करवे से ही हमें
चंद्र भगवान को अर्घ देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करवा माता और पार्वती माता को सुहाग दे रही हूँ, फिर सुहाग लूँगी। तो पांच पांच बार दोनों को लगा देती हूँ। पार्वती माता को पहले लगा रही हूँ, फिर करवा माता को लगाऊँगी और फिर मैं सुहाग लूँगी। लास्ट में ना क्या करना होता, हर कोई पूजा पाठ ना अपने अपने तरीके से करते हैं, जिसको जितना सही लगता है सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। मगर लास्ट में हाथ जोड़ के क्षमा याचना जरूर करना चाहिए कि जाने अनजाने में अगर कुछ गलती हो गई हो माता रानी तो क्षमा करिएगा और भूल चुक के क्षमा करिएगा। तो यहाँ पे बस देखिए फाइनली हमने कुछ इस तरीके से पूजा किया है। और देखिए हमने चांद को अर्घ देने के लिए मेरा पूजे का प्लेट भी तैयार हो गया है। तो चलने वगैरह सब कुछ मैंने ले लिया। यहाँ पे रसगुल्ले, मीठी मठरी और बतासा, अच्छत, ये सब कुछ ले लिया है। और यहाँ दिल्ली में 8:30 बजे 8:45 बजे तक चांद मामा निकल गए थे। तो यहाँ पे मैं चांद को पूजा कर लेती हूँ, फिर पति देव जी को पूजा करूँगी। तो चलिए इंजॉय करिए। मेरी जाना करती हूँ। आपको आज की ब्लॉग पसंद आई होगी। और बस यहाँ पे पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद थोड़े से पिक्चर वगैरह क्लिक करवा लिया था। और बस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। और हमारा ये ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय।